हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको हेडेक के बारे में, सर दर्द के बारे में। आजकल ये बीमारी बहुत ही कॉमन हो गया है। जैसे कि टेंशन लेता है आदमी, तनाव में रहता है, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, किसी का घर का टेंशन है, किसी के परिवार का टेंशन है, किसी को पत्नी का टेंशन है, किसी को एग्जाम का टेंशन है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को बॉस का टेंशन है, किसी को किसी और का टेंशन है। तो इस तरह से क्या होता है कि आदमी को ब्रेन में ब्लड सप्लाई उसका बढ़ जाता है, जिस कारण से ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो ब्रेन में जो बनता है वो प्रेशर बढ़ता है और उस आदमी का ब्रेन में जो फंक्शन होता है वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। आदमी को माथा में सर में दर्द। हेडेक को मुख्य रूप से हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका टेंशन हेडेक, एक होता है माइग्रेन हेडेक, एक होता है क्लस्टर हेडेक। टेंशन हेडेक का मतलब आपको पहला जो सिम्टम्स है वो टेंशन हेडेक का होता है। आप तनाव में है, चिंता में है, तो क्या होता है आपका सिर्फ आगे ऑर्बिटल पेन होता है और ये फ्रंटल पेन होता है, सिर्फ इस भाग में दर्द करेगा, आंख के चारों तरफ और आगे का पार्ट में दर्द करेगा। अगर आप यहाँ पर दबाएंगे इस तरह से तो आपको आराम फील होगा, आराम लगेगा। तो इस तरह के दर्द को हम लोग कहते हैं टेंशन हेडेक। अगला डिवीजन है, अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाए हम, तो दो नंबर में आपका माइग्रेन हेडेक, इसको हम लोग अधकपारी भी बोलते हैं, आधा सर में दर्द करना, यानी कि आगे का पोर्शन में आपको हमेशा दर्द बना हुआ रहेगा लगातार। तो इस दर्द को हम लोग माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। अगर टेंशन हेडेक को हम ट्रीटमेंट ना कराएं तो वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग अधकपारी। आगे तीसरा नंबर जो है वो है क्लस्टर हेडेक। यानी इस हेडेक में क्या होता है, आदमी का पूरे सर में दर्द करता है, पूरा सर में दर्द करता है, सर फटाफटा सा जा रहा है, ऐसा सिम्टम्स फील होता है आपको। तो ऐसा प्रॉब्लम कभी होता है तो आपको हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो अभी हम डिवीजन बताए, डिवीजन के बाद में आपका आता है ये इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण, अगर आप कम पानी पीते हैं, लेस वाटर इनटेक, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कब्जियत हो रहा है, गैस बन रहा हो पेट में, अगर आपका किसी का तनाव बढ़ा हुआ, एंजाइटी बेचैनी, तनाव बढ़ा हुआ है, बीपी का बढ़ा हुआ है, या फिर आपको फीवर लगा हुआ है, बॉडी में किस तरह का सिम्टम्स, जैसे कि कोई लक्षण आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो गया हो, तो इस तरह से आपका माइग्रेन यानी टेंशन हेडेक या फिर क्लस्टर हेडेक काउज करता है। तो हेडेक का जो मेन कारण यही सब होता है। आगे इसका डायग्नोसिस कराएंगे। डायग्नोसिस में आपको EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, जो आपका ब्रेन का माप किया जाता है, कितना कितना ब्रेन का फंक्शन है, जानने के लिए हम लोग EEG करवाते हैं। आगे है इसका MRI या CT स्कैन भी करवाते हैं, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा नस कहाँ से दब गया है। कभी कभी ट्यूमर बनने से भी माथे में हेडेक होता है, या फिर कभी कभी हेमाटोमा, कभी चोट लग गया, किसी को बाहरी इंजरी हुआ, इस कारण से भी हेडेक हुआ करता है। तो हम डायग्नोसिस करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि वाइटल साइन को चेक करना, उनका चेक करना कितना कब से दर्द हो रहा है, हिस्ट्री लेना, पूरा फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद में फिर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो आजकल समय में क्या है कि लोग हंसता कम है, आजकल समय में लोग मिलनसार कम हो गया, मिलना पसंद किसी से नहीं करता है, बातचीत बहुत कम करता है दूसरे से सामने मिलने के बाद। तो इन सब प्रथा जो था वो पहले हुआ करता था, अब के समय में ऐसी बातें कुछ रही नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड हो गए, एक दूसरे की भावना को समझ नहीं पाते हैं, और क्या होता है आदमी को टेंशन तनाव बना हुआ रहता है। तो अगर हम खुशी मन से रहें, हंसते रहें हमेशा, तो ना हमारे हार्ट अटैक आएगी, ना ही इससे हेडेक दर्द, माथा में दर्द रहेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिसके वजह से आपका ब्रेन में जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो प्रॉपर मिलते रहे और ब्रेन का जो सेल्स है वो प्रॉपर आपका वर्क करते रहे। आजकल क्या हो गया, फोन से बात करने का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस कारण से भी हेडेक होता है। मोबाइल देखने के कारण से भी हेडेक होता है, क्योंकि मोबाइल से आपका जो रेडिएशन निकलता है ना, वो बात करते हैं तो कान से होते हुए जाता है सेटेलाइट में, ऊपर में जाता है, और सेटेलाइट फिर कंपनी को जाकर ट्रांसफर करता है, और फिर वो कंपनी जिस मोबाइल पे आप ट्राई किए हैं, नंबर लगाए हैं, वहाँ पर भेजता है। तो इस रेडिएशन से ब्रेन का सेल्स डेथ करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी ब्रेन में लगभग 100 बिलियन सेल्स है, सिर्फ ब्रेन में। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल्स। अगर 80 बिलियन तक है तो वो नॉर्मल रेंज तक है, 80 से कम होगा तो आपको हेडेक वगैरह, याददाश्त क्षमता घट जाना, रिकॉलिंग पावर घट जाना, ये सारा सिम्टम्स आपको होगा जब आपका 80 बिलियन से कम होगा तब। तो हमें प्रयास करना है कम से कम रेडिएशन में रहने का, कम से कम फोन से बात करने का। आधी देर बात करने से हमें कान से सुनाई भी नहीं पड़ता, आधी देर देखने से हमारी आंख का रोशनी भी चला जाता है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो ट्रीटमेंट इसका हम हेडेक के क्या कर सकते हैं, जब भी कभी ऐसा होता है तो हमें वाटर इंटेक को बढ़ा देना चाहिए और हमें गर्म पानी का सेवन करें, जिससे कि हमारा ब्रेन में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीफ होगा, घटेगा। ऐसे गर्म पानी लगभग 70% दर्द को कम करता है, गर्म पानी। इसलिए गर्म पानी ही हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारा हेडेक का प्रेशर कम हो जाए। और जिस तरह से चिंता हो, मालिक को आदमी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ आदमी ने आपको डांट दिया, कुछ और बात कर दिया है, किसी का टेंशन है, किसी का प्रेशर, एग्जाम का टेंशन है, जॉब का प्रेशर है, तो ये सारा अगर वो हम थोड़ा देर के लिए कम कर दें, कम लें इस चीज़ को, तो हमारा जो ब्रेन का कैपेसिटी जो होगा बढ़ेगा भी, और हमारी जो हेडेक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चिंता लेना जरूरी है, लेकिन चिंता करने से आपकी समस्या का हल नहीं हो सकता है।
इसलिए चिंता को थोड़ा कम करें। एंजाइटी इसको बोलते हैं, एंजाइटी अगर करते हैं तो हेडेक होता है किसी के बारे में, कोई बीमारी हो गया आदमी टेंशन पड़ा हुआ, अब क्या होगा मेरा, अब तो गए काम से। तो वैसी भावना को नहीं रखना है और आपको हमेशा पॉजिटिव सोच करके चलना है, बी पॉजिटिव बी हैप्पी। इसके बाद में आपका जो लाइफ है, हेडेक है, वो सारा कुछ प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा। कुछ दवा भी चलेगा इसमें, कुछ पेन किलर भी, लेकिन मैं कहूँगा पेन किलर मत खाइए आप, क्योंकि पेन किलर खाने से जब भी दर्द करेगा आपका हैबिट बन जाएगा, लाओ भाई पेन किलर खा लेते हैं, लाओ पेन किलर खा लेते हैं। तो वैसी दवा को मत खाएं जिससे कि आपका दिक्कत हो, लेकिन फिर भी अगर एक्सेस दर्द करे तो आप डाइक्लोफेनेक कंपोजिशन में कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, तनाव में है, तो आप भैंसों ग्रेन करके आता है, उस दवा को आप ले सकते हैं जिससे कि आपका पूरा ब्रेन का जो कंपोजिशन है, कंडीशन है, वो कुछ समय के लिए ठीक हो सके। घरेलू उपाय भी इसमें अपना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको हेडेक कभी होता है तो आप ठंडे पानी से सर को थोड़ा सा धोएं। ठंडे पानी से धोने से भी आपका हेडेक का प्रेशर घट जाता है, और जो मूवमेंट इन्वायरमेंट में आपसे प्रेशर में, टेंशन में, जिसकी वजह से आप हैं, उसको थोड़ा अलग होने का प्रयास कीजिए, थोड़ा हंसने का प्रयास कीजिए, बनावटी हंसी नहीं कीजिए, वास्तविक दिल से किया करिए हंसी को, जिससे कि आपका लाइफ सुटेबल हो, सही बन सके। तो आज हम बताए हैं आपको ये हेडेक के बारे में, हेडेक क्या होता है, कितना तरह का होता है, क्या कारण है, और कैसे इलाज होता है, और क्या इसका क्रिटेरिया है होने का, क्या आपका जो दिनचर्या में शामिल करते हैं इसके वजह से होता है, और भी कुछ इसमें दिक्कत आपको लगता है, हेडेक है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें भी हेडेक है, उसका मैं 100% निवारण करूंगा। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।